हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आपको मैंने बताया था कि देसी घी के बहुत सारे फायदे हैं और अगर ये सही तरीके से खाया जाए तो दवाई का काम करता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो देसी घी खाने से खत्म हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि भर भर के आपने बहुत ज्यादा खाना है, क्योंकि मॉडरेशन से कोई भी चीज अगर खाई जाए तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। देसी घी बनाना मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, आई होप सबने बनाया होगा और अब उसके फायदे जानने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा हेल्दी है। हम तो बचपन से बहुत देसी घी खाते आ रहे हैं और बहुत हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती थी और आज तक भी कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। शायद इसी की वजह है कि हमने ठीक से खाया पिया था, खेला था, एक्टिविटीज की थी, तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ आज भी ठीक है। लेकिन आजकल टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, शुद्ध चीजें मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैंने शुद्ध घी घर में बनाना बताया। तो अगर देसी घी हमको ग्रास फेड काउ का मिल जाए तब तो कहने ही क्या है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन ग्रास फेड काउ ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है। शहरों में तो कोई ग्रास फेड काउ मिलते नहीं है और कोई वो कह के बेच के आपको कोई घी देता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बेटर है कि जो भी हम दूध लेते हैं उसी से अपना घी बनाएं और उसी को यूज करें, ताकि हमें कम से कम घी में तो कोई मिलावट नहीं हो, घी तो प्योर मिल जाए। और उस प्योर घी के फायदे क्या क्या है, चलिए वो बात करते हैं। घी जो है वो दूध का एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे दूध से दही जमाते हैं, लस्सी बनाते हैं, लस्सी बना के बटर निकालते हैं, फिर घी बटर को गर्म करते हैं और घी बनता है। ये जो घी होता है ये गुड फैट होता है और गुड फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम गुड फैट खाते हैं तो हमारे बहुत से बॉडी फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली चलते रहते हैं, प्रॉपरली अपना काम करते रहते हैं और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बनाने में मदद करता है। इसमें इसका जो लुब्रिकेंट एक प्रॉपर्टी है जो अंदर से हमारे जोड़ों को लुब्रिकेंट करती रहेगी, तो उसकी वजह से ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर घी खाया जाता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो लुब्रिकेट रहता है और उसकी वजह से जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद उसका सेपरेशन और उसका एक्सक्रीशन, ये दोनों काम बहुत आसान से होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। और सबसे मजे की बात तो ये कि अगर आप घी खाते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्शन क्लियर होता है, स्किन का जो, क्योंकि स्किन अगर रूखी सूखी है तो वो कितना भी साफ अगर उसका कॉम्प्लेक्शन हो तो इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर ड्राइनेस नहीं है उसमें, उसमें इलास्टिसिटी पूरी है, तो वो स्किन बहुत अच्छी लगती है। कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर से एक ग्लो आता है और घी खाने से वो कॉम्प्लेक्शन सही रहता है। घी खाने से हमारे बाल सही रहते हैं, नाखून सही रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल हेल्थ सही रहती है। इसके साथ साथ ये एक इसकी जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। किडनी में जो एक फिल्टर का प्रोसेस चलता है, जो वेस्ट मटेरियल को अलग करने का प्रोसेस चलता है, वो बहुत अच्छे से होता है अगर घी को सही मात्रा में खाया जाए और घी अगर शुद्ध हो तो। अच्छा, कुछ लोग बहुत पूछते हैं कि वेट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं वेट कम करने के लिए क्या किया जाए, लेकिन बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि वेट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, हाइट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो वहां भी घी बहुत फायदेमंद है। अगर घी को ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के खाया जाए तो वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, आपको जो फैटी एसिड्स है वो अच्छे से मिलती हैं और बहुत सारे हमारे जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। अगर हम गुड फैट खाते हैं तो गुड फैट आपको मिलेगा, फैटी एसिड्स आपको मिलेंगी घी में, फैटी एसिड्स आपको मिलेंगी ड्राई फ्रूट्स में, और उन दोनों से वेट गेन का जो आपका एक एम है वो पूरा होता है। अगर किसी को वेट लूज करना है तब भी घी बहुत फायदेमंद है। ये तब इसलिए फायदेमंद है कि ये आपके डाइजेशन को सही रखता है। एक तो घी खाने से एक फुलनेस की फीलिंग आती है, ज्यादा लंबे टाइम तक आप फुल फील करते हैं, और जब ऐसा फील करते हैं तो जो बीच में कुछ चटर पटर खाने का मन करता है कभी कभी वो नहीं करता है और आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाने से बच जाते हैं। इसके साथ साथ डाइजेशन सही होता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, तो ये वेट लूज करने में भी काफी मदद करता है। घी में फैटी एसिड के साथ साथ बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, और ये तो आप सब जानते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं अगर सही मात्रा में मिले तो। और इसमें विटामिन ए भी होता है,
मैंने एक वीडियो बनाया था आईसाइट को ठीक करने के लिए, मिर्च को अगर देसी घी में भिगो के रखा जाए और फिर उसको खाया जाए तो आईसाइट सही होती है, आंख की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अदरवाइज भी अगर घी खाते रहते हैं तो आंखों का प्रॉब्लम या जो नजर का प्रॉब्लम है वो इतना नहीं होता है। घी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। अगर आपने घी खाया है तो अंदर से आपकी स्किन को एक इलास्टिसिटी मिलती है, वो ग्रीस मिलता है जो उसको चाहिए, और स्किन जो है वो सॉफ्ट एंड सपल रहती है। तो ये अंदर से एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है ताकि बाहर से स्किन को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है क्योंकि इससे आपको गुड फैट मिलता है, फैटी एसिड्स मिलती हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स मिलती हैं जो आपकी बॉडी वैसे नहीं बनाती है, बट आपको इसके थ्रू मिलती हैं। तो ये आपके लिए हेल्थ, हेयर, स्किन, नेल्स, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। घी का एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एक दवाई की तरह अगर इसको खाया जाता है। अगर घी में भिगो के त्रिफला चूर्ण, एक चम्मच त्रिफला चूर्ण एक चम्मच घी के साथ भिगो के रात भर रखा रहे और उसको सुबह खाया जाए, तो जिनमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, इनफर्टिलिटी मतलब जिनको जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं या जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, अगर वो ट्राई करते हैं इस तरीके से त्रिफला चूर्ण के साथ घी खा के, तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम दूर हो सकता है। काफी लोगों को इससे फायदा हुआ है। अगर इसकी पंचामृत थ्योरी यानी कि पांच अमृत, दूध, दही, हनी, घी और जैगरी, ये पांचों चीज मिला के अगर बच्चों को दी जाए तो अगर वो अंडर वेट है तो उनका वेट सही होता है, अगर किसी को कुपोषण है यानी कि माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, जिसको खाना पीना हजम नहीं होता है, जिसको खाना पीना लगता नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। बच्चों को अगर दिया जाए तो उनकी लंबे टाइम तक हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहती है, मतलब क्योंकि हमारी इम्यूनिटी और हमारी हेल्थ बचपन में जितनी जल्दी जल्दी इम्प्रूव होती है और जितनी जल्दी बन जाती है वो हमारी जवानी और बुढ़ापे तक काम आती है। तो अगर ये बच्चों को दिया जाता है तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, अगर किसी को माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाता है। इससे बच्चों का दिमाग भी तेज होता है, अगर इस तरीके से उनको घी चटाया जाए तो उनका दिमाग भी तेज होता है, मेमोरी बूस्ट होती है। ये एक तरह का नेचुरल टॉनिक बन जाता है। आप अगर पूरी रात नहीं रख सकते तो उसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रख दें और बच्चे को चटा दें, तो ये नेचुरल टॉनिक का काम करेगा, किसी भी बाजार के टॉनिक से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा ये फायदा देगा। किसी का अगर हेमोग्लोबिन कम है, खून नहीं बनता है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, थकान रहती है, काम में मन नहीं रहता, चिड़चिड़ापन है, तो ऐसे में अगर खजूर को घी में भिगो के 8 दिन तक छोड़ दिया जाए, 1 हफ्ते तक छोड़ दिया जाए, और उसके बाद वो खजूर, 2 खजूर डेली खाली पेट अगर खाए जाते हैं तो बहुत जल्दी ब्लड की जो क्वालिटी है, जो हेमोग्लोबिन कम है, वो एकदम से इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी इससे फायदा मिलता है। किसी की स्किन फटती है, किसी के होंठ फटते हैं, यहां पर कट पड़ जाते हैं, तो ऐसे में अगर बीट रूट यानी कि चुकंदर का जूस निकाल के उसमें थोड़ा सा घी मिला के वो लिप बाम बना के लगाया जाए तो ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी दूर हो सकती है। तो देखो घी के कितने फायदे हैं। एक, घी 50 बीमारियों को ठीक कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसका यूज करने का तरीका अलग है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो बीमारियां झट से भाग जाएंगी, बिना किसी दवा के, बिना किसी मेहनत के। अगर गर्म दूध में घी डालते हैं और इस तरीके से उसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, मतलब जैसे ऐसे उछाल उछाल के अगर मिक्स करते हैं और उसमें थोड़ा सा केसर मिला लेते हैं, तो इसे कोई भी खाए, बच्चा, बड़ा, मर्द, औरत, जो भी खाए, उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और अगर ये प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है तो माँ की हेल्थ तो सुधरती सुधरती है, बच्चा बहुत गोरा, चिट्टा और हेल्दी पैदा होता है। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनको शुरू में भी देना चाहिए, प्रेगनेंसी में भी देना चाहिए और प्रेगनेंसी के बाद भी देना चाहिए, ताकि माँ बच्चे दोनों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे। अगर घी में थोड़ा सा लिकोराइस पाउडर यानी कि मुलेठी का पाउडर मिला के खाया जाए तो खांसी से बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है, सॉर थ्रोट से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है, ये उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा बनती है। यही नहीं, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो द समरी इज कि आपको घी खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए, मॉडरेशन में खाना चाहिए और प्योर घी खाना चाहिए। तो
आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें, एक टेबल स्पून तो डेली खाना चाहिए, ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, इसका भी ध्यान रखें। ये नहीं है कि हेल्दी है, इतने सारे बेनिफिट है तो मर्जी है उतना खा ले, ऐसा नहीं होता है। आपको लिमिट में खाना होगा, तभी ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो आपके काम आएंगी। तो आप इसे इस तरीके से खाएं, अपनी सेहत बनाएं, खुश रहें, हेल्दी रहें, मोटापा ना बढ़ने दें। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।